अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं जिस क्रीम का कंप्लीट रिव्यू आपको देने जा रही हूँ, ये एक मेडिकेटेड क्रीम है और डॉक्टर्स इसे ज़्यादातर मलाजमा और फ्रैकर्स की सूरत में ही रेकमेंड करते हैं। ये क्रीम जो दो अज़ा पर मुश्तमिल है, उसमें शामिल है हाइड्रोक्विनोन और ग्लाइकोलिक एसिड। अब आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आपने मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप करके नहीं देखनी, ताकि आपको इस क्रीम के मुतल्लिक तमाम मालूमात डिटेल से मिल सकें। ये क्रीम मार्केट में आपको बासानी दस्तयाब है, लेकिन आजकल ज़रा कम मिल रही है, तो आपको किसी अच्छी फार्मेसी से ही मिलेगी। वैसे तो मैं छाइयों के लिए और रंग गोरा करने के लिए अच्छी क्रीम्स का रिव्यू आपको देती ही रहती हूँ और अच्छी खासी महंगी क्रीम्स भी बताती हूँ, लेकिन ये एक बहुत सस्ती क्रीम है जो कि बासानी आपकी छाइयाँ दाग धब्बे ख़त्म कर देगी। इसका एक और बहुत बेहतरीन इस्तेमाल जो मैं आपको बताने लगी हूँ, वो है जो हमारे ये हाथों के नकल्स होते हैं या हमारे पैर होते हैं या हमारी गर्दन स्याह होती है या कोनियाँ स्याह हो जाती हैं, अगर आप उन पर भी इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उन मसलों से भी निजात मिल जाएगी। अब होता ये है कि इसके अंदर जो दो अज़ा पाए जाते हैं, हाइड्रोक्विनोन और ग्लाइकोलिक एसिड। हाइड्रोक्विनोन तो आपको हर क्रीम में मिलेगा, जैसे मैं आपको फ्लाइट्रो या हाइड्रोक्विन प्लस या इसके अलावा लाजमा क्रीम है उसके अंदर ये जो इंग्रेडिएंट हैं ये पाए जाते हैं, लेकिन उसमें उसके साथ साथ ट्रेटिनाइन पाया जाता है, जबकि इस क्रीम में ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है। ये दोनों जो हैं अज़ा, ये हमारी स्किन को पील करने का काम करते हैं, यानी उस वो स्किन उतार के उसमें से नई स्किन बनती है और जो ऊपर निशानात या दाग धब्बों वाली स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है। ये क्रीम थोड़ी सी केमिकल बेस है, इसलिए इसको लगाते हुए थोड़ी सी आपको एहतियातें करनी हैं। वो एहतियातें क्या हैं वो मैं आपको पहले भी तमाम क्रीम्स के लिए बताती रहती हूँ कि एक तो आप इसका एलर्जी टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, दूसरा आपने जब भी इस तरह की कोई भी क्रीम लगानी है तो उससे पहले अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगाना मत भूलिएगा और दिन में भी मॉइस्चराइज़र या सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। और तीसरी बात कि इसको आपने आदत नहीं बनाना, कोई भी क्रीम है उसको आदत नहीं बनाना, जब आपको फ़ायदा मिल जाए तो उसको कभी कभार इस्तेमाल कर लें और रोज़ाना लगाना छोड़ दें। ये क्रीम 10 mg की पैकेजिंग में दस्तयाब है और इसके अंदर जो क्रीम है वो भी बहुत छोटे से साइज़ में है, लेकिन इस क्रीम की जो बड़ी अच्छी बात है वो ये है कि ये आपको 200 रुपये में मिल जाएगी। पहले ये 100 से 80 रुपये में मिल जाया करती थी, लेकिन अब इसके प्राइस भी बढ़ गए हैं। अब अगर 200 रुपये में आपके मलाजमा या छाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं तो मेरे ख़्याल में इसका इस्तेमाल बुरा नहीं है, लेकिन इसका तरीका इस्तेमाल आपने सही रखना है तो आपको इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। आप इसको हाथों पैरों नकल्स को गोरा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चेहरे के दाग धब्बों छाइयों और निशानात को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड के नाम से जो मार्केट में क्रीमें हैं या सीरम हैं वो अच्छे खासे महंगे हैं और हर बंदा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए अगर आप ये क्रीम लेते हैं तो आपको दोनों ही फ़ायदे इसमें मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप ये क्रीम ख़रीदना चाहें तो बराए मेहरबानी एहतियात से इसको लगाइएगा, क्योंकि दोनों इंग्रेडिएंट दोनों केमिकल काफ़ी तेज़ हैं। ऐसा ना हो कि आप अपनी स्किन का नुकसान कर बैठें और बाद में आपको शिकायत हो कि मैंने आपको गलत क्रीम बता दी। तरीका इस्तेमाल दुरुस्त रखेंगे तो आपको इसके बहुत सारे फ़वाद मिलेंगे। और अगर आप इसको किसी मॉइस्चराइज़र लोशन में मिक्स करके लगाएंगे या और अगर वो आपको लोशन नहीं है तो आप इसको ग्लैसरीन में भी मिक्स करके लगा सकते हैं, लेकिन आजकल गर्मी का मौसम है तो इसमें आपको मैं ग्लिसरीन रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि उससे आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पसीना आ जाएगा। अगर मेरे बताए गए तरीके से आप इस क्रीम को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बहुत सारे फ़वाद मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको सच्चाई के साथ बयान कर देते हैं। वीडियो को पसंद कीजिए और इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर आप मज़ीद इस क्रीम के बारे में जो पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।